अब हम आपको यह बताएंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी दुनिया भर के बाजारों से अपनी कोविड वैक्सीन को वापस क्यों ले रही है। तो पहली बात तो यह खबर उन लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बात ध्यान से सुनिएगा। और अब हम आपको ये बताएंगे कि एस्ट्राजेनेका जो इस वैक्सीन को दुनिया भर के बाजारों से वापस ले रही है, क्या इसका कोई कनेक्शन इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने बताया है कि उसने 5 मार्च को अपनी कोविड वैक्सीन वापस लेने के लिए आवेदन किया था जो इसी महीने की 7 तारीख से प्रभावी हो गया है, लेकिन यह आवेदन उन्होंने मार्च में किया था। इस फैसले के तहत यूरोपीय यूनियन के देशों में इस कंपनी की जितनी भी वैक्सीन्स उपलब्ध थी उन्हें कंपनी द्वारा वापस लिया जाएगा और अब एस्ट्राजेनेका अपनी कोविड वैक्सीन का ना तो उत्पादन करेगी और ना ही दुनिया के किसी भी देश को इस वैक्सीन की इसके बाद सप्लाई की जाएगी। तो बड़ी खबर क्या है, एस्ट्राजेनेका अब अपनी कोविड वैक्सीन का उत्पादन निर्माण बंद कर रही है, अब वो ये वैक्सीन नहीं बनाएगी। इस कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब हाल ही में उसने ब्रिटेन की एक अदालत में यह स्वीकार किया था कि उसकी कोविड वैक्सीन से कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हमारे देश भारत में हो रही है, उसके 2 कारण हैं। एक, बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। दूसरा, इस समय हमारे यहां चुनाव चल रहे हैं और कई लोगों का यह भी कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन से पश्चिमी देशों में लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी वजह से इस कंपनी ने अपनी कोविड वैक्सीन को वापस लेने का फैसला किया है। अब क्या सही है, क्या यह साइड इफेक्ट्स की वजह से किया गया है, क्या यह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे देशों में हार्ट अटैक्स की वजह से लोग मर रहे थे और वो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। आपने देखा होगा इस तरह के वीडियोज हमारे देश में भी लगातार बहुत चल रहे हैं कि लोगों को अचानक, कोई जिम में है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई डांस कर रहा है और अचानक लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है और उनकी जान चली जाती है। क्या ये कारण है कि एस्ट्राजेनेका ने अपनी इस दवाई को, अब अपनी वैक्सीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और सारे बाजारों से वापस ले लिया है? यही दावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी किया है, लेकिन देखिए हमारे देश में तो इस पर राजनीति हो रही है, पहले दिन से राजनीति हो रही है। सच्चाई है कि इस फैसले का इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए आज हम आपको सही जानकारी देना चाहते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी सिर्फ इस वजह से अपनी कोविड वैक्सीन को बाजार से वापस ले रही है क्योंकि यह वैक्सीन अब नए वेरिएंट्स के हिसाब से अपडेटेड नहीं हुई है। कोविड के नए वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स आने के बाद अलग अलग दवाई बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कोविड वैक्सीन को लगातार अपडेट किया है नए वायरस के हिसाब से और उन्हें वायरस के हिसाब से लगातार उन्होंने बदला है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन को अपडेट नहीं किया था जिसकी वजह से उसने अपनी पुरानी वैक्सीन की खेप को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। तो आप समझ गए, जो बाकी के जो कंपनियां हैं जैसे फाइजर है या दूसरी जो कंपनियां हैं, उन्होंने नए वेरियंट्स के हिसाब से लगातार अपनी वैक्सीन में बदलाव किए, उन्हें अपडेट किया ताकि उनका असर नए वेरिएंट्स पर भी उतना ही रहे जितना पुराने पर था, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन में बदलाव नहीं किया और उसका एक मतलब यह हो सकता है कि इस वैक्सीन का असर नए वेरिएंट्स पर उतना ना हो जितना कि पहले होता था। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन का ही एक बदला हुआ नाम है और पिछले 2 वर्षों में भारत सरकार ने एक भी नई कोविशील्ड वैक्सीन नहीं खरीदी है और ना ही भारत सरकार ने इस वैक्सीन को खरीदने के लिए कोई नया ऑर्डर दिया है। तो एक और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 साल में भारत सरकार ने कोई कोविशील्ड वैक्सीन खरीदी ही नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने यह मान लिया है कि इसे लगवाने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वो लोग भी असल में गलत और आधी अधूरी जानकारी फैला रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन से सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफेक्ट होता है और भारत में कोविशील्ड के जो 175 करोड़ टीके लगाए गए उनमें सिर्फ 155 यानी 0.0001% लोगों पर ही इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट
हुआ है और दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट की यह दर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट के साइड इफेक्ट की दर से भी कम है। अब मैं एक तुलना करता हूं कोविशील्ड और पैरासिटामोल के बीच। पैरासिटामोल तो वो दवाई है जो आप अक्सर खाते रहते हैं, पीसीएम जिसे आप कहते हैं, और बुखार में आप अक्सर इस दवाई को खाते हैं। पैरासिटामोल दवाई खाने वाले 0.0001% लोगों पर इसका साइड इफेक्ट देखा जाता है, जबकि कोविशील्ड लगवाने वाले 0.00001% लोगों पर इसका साइड इफेक्ट होता है। यानी कोविशील्ड जो है वो पैरासिटामोल से भी ज्यादा सेफ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में 99.9% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने कम से कम या उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि इस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते में ही हो जाते हैं। और इसलिए भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी अगर कोई फोन करे, कोई बात करे, कोई आपसे पूछे, तो पहली बात आपको जो बतानी चाहिए वो ये कि कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट होता है वो वैक्सीन लगवाने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर होता है। अगर आपको 6 हफ्ते तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। इसलिए ये जो सही जानकारी है इसे आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों को और अपने जानने वाले लोगों को दीजिए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन को बाजार से वापस लिया है, क्योंकि यह वैक्सीन पुरानी हो चुकी थी और कोविड के नए वेरिएंट के लिए अब यह प्रभावी नहीं बची थी। जबकि पिछले 2 वर्षों में कोविड के बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ चुके हैं और इनमें भी सबसे नए वेरिएंट की पहचान हाल ही में अमेरिका में हुई है और इस वेरिएंट का नाम है फ्लर्ट। नाम देखिए बड़ा दिलचस्प है इसका, इसका नाम है फ्लर्ट। आप में से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को शायद भूल चुके होंगे, लेकिन अमेरिका में फ्लर्ट नाम के इस नए कोविड वेरिएंट की वजह से कोरोना की 5वीं लहर आने की आशंका जताई जा रही है और ये वहां बड़ी संख्या में लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकता है। इंफेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक ओमिक्रॉन के बाद कोविड का पहला ऐसा कोई वेरिएंट आया है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को भी आसानी से भेद सकता है और जो एक बार में 10 या उससे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने की ताकत या क्षमता रखता है। ओमिक्रॉन के बाद यह पहला ऐसा वेरिएंट है जो इतना शक्तिशाली है जिसे फ्लर्ट कहते हैं। फिलहाल अमेरिका में इस नए वेरिएंट के 2 म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें एक म्यूटेशन को KP.1.1 और दूसरे को KP.2 का नाम दिया गया है। दोनों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख लीजिए और इन्हें ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। यह बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका पहला म्यूटेशन बहुत खतरनाक है, जिससे अमेरिका में सबसे ज्यादा 75% नए मरीज संक्रमित हुए हैं और आशंका है कि आने वाले दिनों में फ्लर्ट का यही म्यूटेशन अमेरिका से दूसरे देशों में भी फैल सकता है। इस वेरिएंट के सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे संक्रमित होने वाले मरीजों के गले में सूजन आ जाती है, खांसी के दौरे पड़ते हैं, लगातार तेज बुखार होता है और यह वेरिएंट ओमिक्रॉन की ही तरह सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में यह वेरिएंट अब तक नहीं आया है और हमारा देश आज भी, जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, तो इससे बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि हमारा देश झूठी जानकारी के उस वायरस से सुरक्षित नहीं है जो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लगातार फैलाई जा रही है और लोग भी आसानी से इस झूठी जानकारी के वायरस से लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं और हमारे देश में पिछले 4 दिनों में कोविशील्ड को पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट पर सर्च किया गया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीन जो है सारे वायरस को मारती है, वैसे ही आप भी एक वैक्सीन की तरह बनिए और झूठ का जो वायरस लगातार फैल रहा है कोविशील्ड को लेकर, उसे आप रोकने की कोशिश कीजिए।